ओवरसीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्प्राउटेड मूंग के सलाद की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए शहद, ऑलिव ऑयल, ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। और इसके अलावा अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए अनार जो मैंने पीसेस कर दिया है, और टमाटर, ग्रीन चिलीज, स्प्राउटेड मूंग एक कटोरी, प्याज है आधा जो बारीक काट लिया है, और नींबू, ये है आम, कच्चा आम है वो मैंने 2 टीस्पून लिया है और बारीक काट लिया है। और अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें मसालों में चाहिए चाट मसाला, नमक, धनिया और हरी मिर्च। सबसे पहले हम ड्रेसिंग रेडी कर देंगे, और इसके लिए हम 3/4 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे और 1/2 टीस्पून शहद, 1/2 टीस्पून से कम लेना, ½ टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून से भी कम नमक, नमक आप टेस्ट करके अगर कम हो तो बाद में डाल सकते हो, और 1/2 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च। और इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। सबसे पहले हम एक कटोरी मूंग जो है स्प्राउटेड वो डालेंगे। एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उसमें ये स्प्राउटेड मूंग डाल देंगे। इसके बाद हम टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। कच्चा आम जो मैंने 2 टीस्पून लिया है वो डाल देंगे। अनार ये भी 2 टीस्पून लिया है तो ये डाल देंगे। प्याज 2 टीस्पून, और इसके अंदर हम ये लेमन जूस ड्रिजल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, जो ड्रेसिंग रेडी किया था वो ऊपर से ऐड कर देंगे। और अब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च कम है, मैंने टेस्ट किया तो ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च में डाल रही हूँ, और नमक भी थोड़ा सा कम है। तो देखिए आप, जैसे कि मैंने पहले जो मिक्स किया उसमें कम है तो मैं पीछे से ऐड कर सकती हूँ, लेकिन पहले से ज्यादा मत डालिएगा अदरवाइज इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेस्ट करके जो कम है वो चीज आप बाद में डाल सकते हो, और इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके बाद में ही इसको हमें सर्व करना है। ये सलाद आप किसी भी टाइम पे खा सकते हो, और स्प्राउटेड मूंग जो है वो आप कच्चे भी खा सकते हो, उसको उबालने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उबालना चाहो तो 5 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल के बाद में इसका सलाद प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैंने उबालने के बिना ही इसको यूज किया है और सलाद प्रिपेयर कर दिया है। तो ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में ले लेंगे। देखिए हमारा
हमारा सर्विंग बाउल रेडी है और इसमें हम ग्रीन कोरिएंडर से गार्निश करके इसको सर्व करेंगे। तो ये है हमारा स्प्राउटेड मूंग का सलाद रेडी। आप ट्राई जरूर करना है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।